I graduated in information technology back in 2016 from Punjab University College of Information Technology. और बीएस आईटी करने के बाद जो हर आईटी गाय का एक कह लें ड्रीम होता है, गोल होता है कि मुझे किसी मल्टी नेशनल आईटी कंपनी में जॉब करनी है. तो आई वाज जस्ट लाइक दैट, आई वाज लाइक ठीक है जी, किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब ढूंढते हैं. तो द गुड थिंग वाज के आई डिड माय फर्स्ट जॉब विद rosy.pk, जिसका काम ही ये है कि वो लोगों को नौकरियां ढूंढ के देते हैं. एज द नेम स्पेसिफाइज, रोजी जो लाइक आपका लिवलीहुड होता है उससे रिलेटेड. तो बड़ा अच्छा एक करियर का स्टार्ट मिला एक मल्टी नेशनल ब्रांड के साथ. एंड द गुड थिंग अबाउट इट के रोजी इट्सेल्फ एक एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन है. तो करियर के स्टार्ट में ही एंटरप्रेन्योरशिप का एक शौक डेवलप हो गया, जो कि खुद से भी था ड्यूरिंग डिग्री भी. आईटी का बिजनेस खुद से स्टार्ट करना काफ़ी इजी रहता है. हमारे पास लाइक हमें जो आप आई गेस जानते होंगे कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक आपका कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपके, और एक आपका ओपेक्स होता है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो आईटी में आपका कैपेक्स जो है दैट इज़ वेरी लो. यू कैन स्टार्ट अ आईटी बिजनेस जस्ट विद एन इंटरनेट डिवाइस एंड अ सिंगल लैपटॉप और एक सादी सी चेयर और सादा सा टेबल. सो दैट्स ऑल यू नीड टू स्टार्ट एन आईटी बिजनेस. सो दिस ऑल्सो मोटिवेटेड मी के अपना बिजनेस भी किया जाए. बट एज आई ऑलवेज टेल टू माई जूनियर्स और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं कि फर्स्ट यू नीड टू हैव सम एक्सपीरियंस. सो वट वी प्रीच आई एग्जैक्टली डिड द सेम. आई गेन सम एक्सपीरियंस इन फ्यू मल्टी नेशनल आई टी कंपनीज. और उसके बाद 2019 में आई स्टार्टेड माई ऑन आई टी कंपनी नेम शाहरू टेक्नोलॉजीज. शाहरू टेक्नोलॉजीज नाम थोड़ा सा आप लोगों को शायद यूनिक लग रहा हो, मैं इसका मतलब भी बता देता हूँ. इट हैज़ नथिंग टू डू विद शाहरुख खान, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा शाहरुख खान से. शाहरू इज अ टर्किश टर्म, इट मीन्स समवन हु क्रिएट इम्पैक्ट. तो ये एक नाम है, एक शख्सियत का नाम है, एक तारीखी शख्सियत गुजरे हैं. आई गेस आप जानते होंगे अमीर तैमूर के नाम से एक फातह गुजरे हैं तारीख में. तो ये उनके पोते का नाम था जो कि टर्की वाली साइड पे उन्होंने काफ़ी हुकूमत किया और चीज़ों को बेहतर किया. तो शाहरू को लोग उस वक्त से अब तक एज अ रिफॉर्मर जानते हैं कि समवन हु केम हु कंकर्ड एंड हु क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दैट एरिया. सो इसी नाम के साथ और इसी फलसफे के तहत अपनी कंपनी स्टार्ट की. और कंपनी स्टार्ट करने के पीछे जो कुछ मकासद थे वो प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि एक तो हमें पाकिस्तान को एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना.